हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर इमरान सर के सामने आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज हम लोग की करंट अफेयर की दूसरी क्लास है फ्रेंड्स। पहले क्लास में हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस को पढ़ा। उम्मीद करता हूं उसका नोट्स आपने अच्छे से बनाया होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए होंगे। हाँ, एक सूचना है फ्रेंड्स, उस एक मिस्टेक रह गई थी, उसे आप अपने नोट्स में सुधार कर लीजिएगा। एक्चुअली जब उसमें मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी जब वहाँ से वापस आई हैं तो 1972 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया, तो वहाँ पर कहने का तात्पर्य था उसी समय ही उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। तो प्रोजेक्ट टाइगर शायद वहाँ 72 लिख दिया है, 1972, उसे सही कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में की गई, उसे 1973 कर लीजिएगा। वहाँ से आने के बाद ही फैसला ये लिया था, तो ये बताने के समय तो मिस्टेक वहाँ हो गई थी, उसे नोट्स में आप अपने सही कर लीजिएगा, 1973। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आज एक पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। तो पुरस्कार को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पहले ये देखेंगे सर्वोच्च पुरस्कार सेना के क्षेत्र में और सिविल के क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, क्योंकि पुरस्कार को लेकर हमारे करंट अफेयर्स जितने क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, उससे कहीं ज़्यादा उसके सामान्य ज्ञान को लेकर भी प्रश्न बनते हैं कि इस श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान बताकर आज हम एक दो पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, एक सूचना और आपके लिए है कि ये जो करंट अफेयर की मैंने सीरीज चलाई है, जो मैंने आपको बताया है, तो स्टार्टिंग तो मेरी अभी कल से क्लास से हुई है, लेकिन जितने भी बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ मंथली रखी गई है, और पूरा कंप्लीट इसमें आपको रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। तो ये कवरअप मैं जो करूँगा फ्रेंड्स, वह आपका 1 जनवरी 2020 से करेंगे। जितने भी बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उन सारे बच्चों को जो पूरा करंट का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, पीछे से मैं कवरअप करते हुए आऊँगा जितनी भी और भी घटनाएँ हुई हैं 1 जनवरी 2020 से, जो हमारे एग्ज़ाम जेल वार्डन के आगे लगे हुए हैं, या SSC स्टेनोग्राफर के कुछ एग्ज़ाम आ गए हैं, तो उन एग्ज़ाम में जो हमारे एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर तक जाएंगे, तो वहाँ के लिए हमारा करंट अफेयर 1 जून से आएगा। तो हमने ये निर्णय लिया कि अभी से करंट अफेयर को न करके, बल्कि 1 जून से पूरा आपका मैं कवरअप करूँ। तो जितने भी सारे लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उनको पूरा 1 जनवरी 2020 से करंट अफेयर में पूरा कवरअप करूँगा। अभी आगे यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए आज देखते हैं फ्रेंड्स सर्वोच्च पुरस्कार। तो सर्वोच्च पुरस्कार में पहले देखिएगा कि दो क्षेत्रों में है, एक सैन्य क्षेत्र में, एक सिविल या असैन्य क्षेत्र में। आप सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, सैन्य क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, सेना के क्षेत्र में। तो सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है परमवीर चक्र। ये श्रेणी क्रम आपको याद रखना है, ये वरीयता क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है। परमवीर के बाद महावीर चक्र होता है, महावीर चक्र के बाद वीर चक्र होता है, और चौथे नंबर का जो वरीयता क्रम है उसे सौर चक्र कहा जाता है। ये सेना के क्षेत्र पे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के क्षेत्र में युद्ध में आदम साहस को दिखाने के संबंध में ये पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। तो आप ये क्रम याद रखिएगा कि सेना के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार नंबर एक पे कौन है, परमवीर। परमवीर के बाद कौन सा है, महावीर। महावीर के बाद कौन सा है, वीर। और उसके बाद लास्ट में चौथे नंबर पे शौर्य चक्र। इन चारों का वरीयता क्रम आप याद रखिएगा, ये सेना के क्षेत्र में चार बड़े पुरस्कार हैं। लेकिन बात आती है अगर सिविल क्षेत्र में देखा जाए, असैन्य क्षेत्र में, आप इसे भी बोल सकते हैं असैन्य क्षेत्र में। तो सिविल क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान होता है फ्रेंड्स, वह भारत रत्न है। यहाँ से क्वेश्चन खूब आपके बनते हैं। उसके बाद द्वितीय वरीयता क्रम में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। कहने का तात्पर्य कि अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है फ्रेंड्स, भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, पद्म विभूषण है, तीसरे पे पद्म भूषण है, और चौथे पे पद्म श्री है। तो इन तीनों में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो याद रखना बहुत आसान है, तो पद्म शब्द तो तीनों में कॉमन है। अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर कभी हमारे दिमाग में भूषण आता है, कभी पद्म श्री आता है, तो जिस तरीके से ये लिखे गए हैं, इनके आप थोड़ा सा साइज के हिसाब से देखिए, विभूषण सबसे बड़ा, उससे छोटा भूषण, और उससे छोटा श्री। इसी क्रम में ये अपने वरीयता क्रम में भी हैं। तो कहने का तात्पर्य आप इतना याद रखिएगा कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरे नंबर पर पद्म वाले तीनों हैं। वो पद्म तीनों कौन सा है, सबसे पहला विभूषण सबसे बड़ा, उसके बाद भूषण, उसके बाद श्री। तो ये चार आपके नागरिक सम्मान हैं जो भारत के में पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आज हम लोग इसमें से भारत रत्न को पढ़ेंगे।
भारत रत्न से संबंधित जो 2019 में पुरस्कार का वितरण किया गया है उसका भी डिस्कस हम लोग करेंगे और इसके संबंध में और बहुत सारी बातों को जानेंगे। भारत रत्न, अब फ्रेंड्स होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पुरस्कार से मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर में आते हैं उन करंट अफेयर के साथ साथ उनसे लेकर के हमारे सामान्य ज्ञान के रूप में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पूछा गया कभी हाल ही में 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये तो आप करंट बात करते हैं, और फिर हो सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें दे दे कि मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत इस सन से की गई, मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति ये थे, 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार इन व्यक्ति को दिया गया। अब आपको कन्फ्यूजन हो गया कि हम तो करंट पढ़ के आए थे, इसने तो इसका इतिहास पूछ लिया, तो ये प्रश्न हमारे करंट अफेयर में पहले से रहा है। तो अपना माइंड सेटअप आप ये बना के चलिए कि पुरस्कार को हम पढ़ते समय पुरस्कार के वर्तमान करंट को कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके इतिहास और सामान्य ज्ञान को भी हम कवर करेंगे ताकि वो भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो आइए भारत रत्न समझते हैं। भारत रत्न वैसे ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो यहाँ सामान्य ज्ञान को लेकर बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई और कब से दिया जाता है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तब इसके आगे हम लोग करंट में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में हुई, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या किसी अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिए ये भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक रोचक तथ्य है फ्रेंड्स, उसको जरा समझिए आप, कि पहले यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, ये प्रावधान बाद में किया गया है। ये कब किया गया है अभी आपको हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ बातों को और जानते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 में जब की गई तो लगातार ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन आगे चलकर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे। उस समय इस बात का आरोप लगाया गया कि भारत रत्न जैसा नागरिक सर्वोच्च सम्मान जो दिया जा रहा है, ये व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा है, लोग इस पुरस्कार का प्रयोग अपने नाम के आगे और पीछे करके विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे मूल अधिकार में प्राप्त आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत जो बताया गया है उसका उल्लंघन है। तो उपाधियों का अंत बता करके 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि कहा गया कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, वह व्यक्ति इस पुरस्कार को नाम अपने नाम के आगे पीछे लगाता है, जो उसे विशेषाधिकार प्रिविलेज प्राप्त करता है, जिसकी वजह से आर्टिकल 18 का उल्लंघन होता है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। जब 1977 में समाप्त हुआ, उसके बाद पुनः 1980 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार आई, और जब कांग्रेस की सरकार पुनः 1980 में आई तो इस पे कुछ तर्क दिए गए फ्रेंड्स। तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन भारत रत्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल कहा गया है, उपाधियों का अंत कहा गया है, न कि प्राइज का, और भारत रत्न एक प्राइज है, और जब कभी भी किसी व्यक्ति को प्राइज दिया जाता है इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या होता है, समाज में इसको प्रोत्साहन मिलता है कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए, जबकि उपाधियां व्यक्ति को क्या बना देती हैं, स्वार्थी बना देती हैं, जिसका अनुमान हमें स्वतंत्रता से पूर्व ही लगा था, तभी हमने ये संविधान में व्यवस्था की कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया। तो कांग्रेस ने ये तर्क दिया कि ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 18 में केवल उपाधियों के लिए मनाही की गई है, न कि पुरस्कार के लिए, और भारत रत्न एक उपाधि नहीं है बल्कि यह पुरस्कार है। लेकिन वहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि निकट भविष्य में भारत रत्न पाने वाला कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे नहीं करेगा, ताकि उसे किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार न प्राप्त हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, 1977 में इसे जनता पार्टी की सरकार में बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः इसे 1980 में फिर से प्रारंभ किया गया, और अब तक ये सिलसिला जारी है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में नागरिकों को दिया जाता है, और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल, या किसी भी उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, बाद में 2012 के दरमियान इसमें कुछ संशोधन किया गया और खेल के क्षेत्र में भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा। तब उसके बाद ही 2014 में चलकर सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स यहाँ तक? अब इसके आगे चलते हैं हम लोग।
भारत रत्न अब तक कितने व्यक्तियों को मिला है फ्रेंड्स? 48 लोगों को दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत रत्न के संबंध में बताएं, 2019 के कथन दे देंगे, फिर नीचे दे देंगे। अब तक भारत रत्न 45 व्यक्तियों को मिला है, 42 व्यक्तियों को मिला है, 48 व्यक्तियों को मिला है। तो याद रखिएगा, अब तक 2019 की घोषणा के बाद भारत रत्न अब तक 48 व्यक्तियों को प्राप्त हो चुका है। अब इसके पूरे हम थोड़ा इतिहास को समझेंगे। हमें पूरा नहीं याद करना है, उन 48 पुरस्कारों को हमें नहीं देखना है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम इतना समझना है, यह पहली बार किसे दिया गया, वह प्रथम महिला कौन थी जिन्हें दिया गया, जब एक बार यह समाप्त किया गया, दोबारा इसकी शुरुआत की गई, फिर वह कौन सी प्रथम महिला थी जिन्हें यह प्राप्त किया गया, मरणोपरांत पाने वाले कौन से व्यक्ति थे ये जो पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है, कितने लोग अभी तक ऐसे हुए हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। और यही पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझेंगे फ्रेंड्स, क्या हमारे जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई तब से ही मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान था कि ये संशोधन बाद में किया गया, उसके पूरे डिटेल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत रत्न अब तक 48 लोगों को दिया गया है और 1954 में पहली बार तीन व्यक्तियों को ये दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राज गोपालाचारी और सी वी रमन। कब दिया गया फ्रेंड? 1954 में पहली बार इन तीन व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लेकिन बहुत सारी किताबों में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, कि कुछ किताबों में राजगोपालाचारी भी दिए हैं, कुछ किताबों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिए हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग तीनों पूछा जाए, आप पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया है, जबकि तीनों को एक साथ मिला है, उसी वर्ष मिला है, लेकिन प्रथम व्यक्ति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं, और इनके जन्म दिवस 5 सितंबर के अवसर पे शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। किन्हें मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। और आपको यह भी पता है शायद फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जब 1954 में 2 जनवरी को भारत रत्न की शुरुआत की गई, तो भारत रत्न की शुरुआत भी उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही की गई थी। और इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया? 1962 में दिया गया फ्रेंड्स। अब उसके आगे चलते हैं 1966 में। इस तथ्य को जानने से पहले एक ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तो वहां पर यह प्रावधान नहीं किया जाएगा कि क्या किसी व्यक्ति को मरणोपरांत मरने के बाद भी इस पुरस्कार को दिया जा सकता है या नहीं, तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में चलकर 1955 में यह व्यवस्था की गई है कि मरणोपरांत भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। और मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स आप, इनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी, जैसा कि आप लोगों को पता है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, 1971 आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? सन नहीं, आप सिर्फ नाम याद रखना है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, 1980 में मदर टेरेसा दोबारा प्राप्त होने पर प्रथम महिला। ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि दोबारा प्राप्त होने पर, जब एक बार 1977 में भारत रत्न समाप्त हो गया, 3 साल तक ये बंद रहा, और 1980 में जब ये पुनः से उसकी शुरुआत की गई, उसके बाद प्रथम महिला कौन रही फ्रेंड्स? मदर टेरेसा रही जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1980 में। इतने चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 1954 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन को, 1962 में राजेंद्र प्रसाद को, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। यहाँ क्या फोकस करना है आपको? इन्हें प्रथम मरणोपरांत मिला था, प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो ये पुरस्कार इन्होंने मरणोपरांत प्राप्त किया था। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था, ये प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। और 1980 में मदर टेरेसा को मिला, ये दोबारा प्राप्त होने वाली प्रथम महिला हैं जब दोबारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, 1990 में किसे मिला फ्रेंड्स? बी आर अम्बेडकर को मिला है, संविधान सभा के निर्माता रहे। यहाँ से भी प्रश्न अभी आया नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में आ सकता है, इसलिए आप यहाँ भी फोकस करिए रखिएगा। उसके बाद 2 विदेशियों को मिला है ये पुरस्कार। कौन कौन से विदेशी हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान से संबंध रखते थे,
और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका से रखते थे। तो हो सकता है कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए आपके कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद 2014 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि बाद में इसमें संशोधन करके जब इसमें खेल की भी श्रेणी को सम्मिलित कर लिया गया तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी यह पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये सबसे युवा व्यक्ति हैं पुरस्कार पाने वाले। आप अक्सर देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जामिनेशन में युवा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ भी हमारे एग्जाम में बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति रहे, तो भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अब ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, पूरा इसका इतिहास था और इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं इसका करंट क्या है। करंट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से 2019 से। 2019 में अभी भारत रत्न दिया गया, 2020 से भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि 2019 में किन व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स। तो 2019 में नानाजी देशमुख को मिला है। ये कौन से? ये समाज सेवी थे। अब हमने सबको क्षेत्र इतना नहीं बताया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो हाल ही में पुरस्कार मिला है उनके सारे क्षेत्र को, उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रायः जिन व्यक्ति चर्चित होते हैं पुरस्कार के रूप में उनके संबंध में कुछ अन्य बातें भी पूछी जाती हैं। तो हमें क्या समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर उसके ट्रेंड को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को हमें आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। तो नानाजी देशमुख क्या हुए, ये समाज सेवी थे और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। किससे? पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। और आप याद करिए, ये नागरिक जो सम्मान है ये दूसरी वरीयता क्रम का या दूसरी श्रेणी का सबसे बड़ा सम्मान है। और भारत रत्न पाने वाले ये कौन से व्यक्ति थे? 46वें व्यक्ति थे। ध्यान आपको याद रखिएगा, अब तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 48 व्यक्तियों को। और नानाजी देशमुख भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति थे? 46वें व्यक्ति थे। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, हाल ही में 2019 में नानाजी देशमुख को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया या भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति रहे? तो यहाँ आपसे गलतियाँ हो जाएंगी। आप कहेंगे हमने याद तो किया है भारत रत्न मिला है, लेकिन कौन सा क्रम था ये नहीं मिला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। और मरणोपरांत इन्हें कैसे मिला है? मरणोपरांत मिला है। और मरणोपरांत पाने वाले ये कौन से व्यक्ति हैं फ्रेंड्स? ये 13वें व्यक्ति हैं। जबकि आप यहीं से तुरंत लिंक करिए, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें मरणोपरांत मिला था? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा कौन से व्यक्ति थे? भूपेन हजारिका। इनका जो संबंध देखिए, कहाँ से संबंध रखते हैं? भूपेन हजारिका असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, लेखक भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे तथा गायक भी थे। इसका मतलब ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। मतलब गायक भी थे, संगीतकार भी थे, लेखक भी थे और गीतकार भी थे और कवि थे। क्या नाम था इनका? भूपेन हजारिका। और किस भाषा के कवि थे ये? असमिया भाषा के, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 2012 में इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि ये सिनेमा से भी संबंध रखते थे, तो 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये भारत रत्न पाने वाले 47वें व्यक्ति हैं, जबकि मरणोपरांत पाने वाले ये 14वें व्यक्ति हैं। तो कहने का तात्पर्य, भारत रत्न अब तक 48 लोगों को मिला है और मरणोपरांत कितने लोगों को मिल चुका है? 14 लोगों को मिल चुका है। और वो 14वें व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स? वो 14वें व्यक्ति भूपेन हजारिका हैं, जिन्होंने मरणोपरांत ये पुरस्कार जिनको दिया गया है। और भारत रत्न पाने वाले ये 47वें व्यक्ति हैं। क्लियर हुआ? और सबसे लास्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो प्रणव मुखर्जी, इनको 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे, ये आप जानते हैं। और ये भारत रत्न पाने वाले 48वें व्यक्ति हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। प्रणव मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले 48वें व्यक्ति हैं और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में 2019 में प्रणव मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले 48वें व्यक्ति थे, ये भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे? भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। और ये 48वें व्यक्ति थे जिन्हें की भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि 2019 में
तीन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। पहला नानाजी देशमुख, दूसरा भूपेन हजारिका, तीसरा प्रणव मुखर्जी। और प्रणव मुखर्जी को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि वो 48वें व्यक्ति थे, और दूसरा आपको जो भूपेन हजारिका हैं इसलिए याद रखना है क्योंकि ये 14वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज भारत रत्न को क्लियर किया, इसकी पूरी हिस्ट्री से लेकर इसके पूरे करंट अफेयर तक सारे इश्यूज़ को किया। इस तरीके से अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन इससे एक भी मिस एग्जामिनेशन में नहीं होंगे। कोशिश करिए, आप खुद से इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। वैसे मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि करंट अफेयर कल संडे था, मैंने क्लास नहीं लिया था, लेकिन अगले संडे से आपकी क्लासेस रहेंगी। और उसका जो मैंने प्रावधान किया है फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, मैंने इसकी फीस 100 रुपये केवल मंथली रखी है। उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रत्येक संडे को एक सप्ताह के भीतर जितनी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, उस करंट अफेयर इशू को लेकर जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 30-40 बनेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव रूप में, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग संडे संडे करेंगे और उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, ताकि जो हम सप्ताह भर पढ़ें उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकें जो एग्जाम में आएगा, और उसकी PDF भी आपके पास रहेगी ताकि एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ हर मंथ के लास्ट में 30 तारीख को, तो पूरे मंथ के जो लगभग 70 से 80 या 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में किसी भी क्षेत्र के, उन सारे क्वेश्चनों को फिर हम अलग से पढ़ेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम के पहले 6-7 महीने पहले जब फिर से हमको पूरे करंट अफेयर को रिवीजन करना हो, तो कम से कम मंथली वाले हमारे पास पूरे PDF रहें, वीकली वाले हमारे पूरे PDF रहें, वहाँ से हम क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें, और उसके साथ ही साथ जो आपको डेली वाइज हम पढ़ाते रहेंगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही रहेगा। तो लास्ट बार आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा नंबर वीडियो में नीचे लिखा भी हुआ है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 70 68 50 72 75। आपको मैंने बताया फ्रेंड्स कि करंट अफेयर की जो मैंने शुरुआत की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है आपके GS के एग्जामिनेशन को लेकर के। आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, आप उतना समय इस पे दे नहीं पाते हैं, तो मैंने आपके लिए मुहिम स्टार्ट की है। आप इस समय को बचा करके, न्यूज़पेपर के समय को बचा करके, मैगजीन के समय को बचा करके, उस ताकत को आप अपने GS के पेपर में लगाइए। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि करंट अफेयर के सारे एस्पेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आपको डेली से 15 से 20 मिनट की क्लास में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप एक जगह बिलीव करके पढ़ेंगे, आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे हमारे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको कल इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे फिर से पुरस्कार का आगे का पॉइंट। तो लोगों को और शेयर करिए और लोगों को बताइए कि जितने लोग होंगे, 10 तारीख से मेरा एडमिशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू है। फीस मैंने केवल 100 रुपये इसकी मंथली रखी है, एक महीने की फीस जितने में आप एक मैगजीन लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़िए, ताकि मैं आप लोगों के लिए तरीके नए नए तरीके से पूरे और इस पर काम में कर सकूं, और आपके लिए PDF के साथ पूरे करंट अफेयर को आगे बढ़ा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।